न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट को दिया धन्यवाद। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना के बचाव की तैयारियों और पौधारोपण अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जापानी इंसेफेलाइटिस व अन्य संचारी रोगों से बचाव व लोगों को जागरूक करने के लिए 1 जुलाई से शुरू होगा दस्तक अभियान, तैयारियां पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, जनता करे सहयोग जिससे न होने पाए किसी की इंसेफेलाइटिस से मौत। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई निर्माण कार्यों की मंजिली समीक्षा बैठक, निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर जताई नाराजगी, कहा लापरवाही क्षम्य नहीं। गुलेरिया थाना में हुए प्रॉपर्टी डीलर पर हत्या के प्रयास के 3 अभियुक्तों को गुलेरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 तमंचा, जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, SP नॉर्थ ने किया खुलासा। सहजनवा तहसील के सरैया उर्फ रहीमाबाद में बनाए गए हॉटस्पॉट का DM और SSP ने किया निरीक्षण, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी भालोटिया मार्केट में 1 दवा व्यापारी मिला कोरोना पॉजिटिव, SDM सदर ने दुकान के अगल बगल के 3-3 दुकानों को सील करते हुए किया कंटेनमेंट जोन घोषित। पनेसिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर मंडल को लेकर सोमवार की रात हुए विवाद में आमने सामने आए विजय पांडे और सांसद कमलेश पासवान, दोनों ने लगाए एक दूसरे पर गंभीर आरोप। महानगर में बिना रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से चल रहे प्राइवेट हॉस्पिटलों पर SDM सदर ने की छापेमारी, 2 हॉस्पिटलों को सील करते हुए 5 हॉस्पिटलों पर की कार्रवाई, कहा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हॉस्पिटलों के खिलाफ चलेगा अभियान, सील होंगे हॉस्पिटल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, 1 जुलाई से शुरू होगा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, बेरोजगारों को रोजगार के लिए मिलेंगे 10,000 का लोन, डिजिटल पेमेंट को भी दिया जाएगा बढ़ावा। गोरखपुर में फूटा कोरोना बम, एक साथ मिले 27 पॉजिटिव केस, कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 273, जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 81, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेसिक शिक्षा विभाग के कायाकल्प योजना तथा 46 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने संबंधित बैठक, कार्यों को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। SP सिटी व ADM सिटी ने किया राजघाट व कुतवाली थाना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण, लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति किया जागरूक। डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर राष्ट्रपति महोदय को संबोधित सौंपा ज्ञापन, मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने बुधवार को विंध्यवासिनी पार्क के नाम को पूर्ववत करने की मांग को लेकर मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। और महारानी दुर्गावती के जयंती के अवसर पर सपाइयों ने उनके चित्र पर किया पुष्प अर्पित, दी श्रद्धांजलि, उनके जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग।